ये जो गियर बॉक्स है, इस दोस्त से मिले थे हाथों के, याद तो यही रहता है। ये जंगल नहीं है, उधर खेत है। जय माता दी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल मोटर ट्रिप भारत। तो कल थी विजयदशमी और हमारे साथ है अमित भाई, जो कि ऑलमोस्ट हर वीडियो में रहते हैं। तो अभी हम लोग आए विक्रम ज्योत में और हम गोरखपुर से निकले, ऑलरेडी 120 किलोमीटर आ गए हैं। डेट है 13th of October, कल विजयदशमी थी। तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी। इस राइड के लिए बेसिकली माता का आशीर्वाद होना जरूरी है। तो हम जा रहे हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत, डिस्टेंस जो हम कवर करने वाले हैं। पीलीभीत को क्रॉस करना है, बाकी आगे देखते हैं। अभी हम दो लोग हैं, दो बाइक पे। आगे हो सकता है अपने को एक बंदा और ज्वाइन करे, ऑल दो वो हमारे साथ जाएगा एज अ पिलियन। तो बाकी डिटेल देता हूँ आपको बाइक पे। ट्रिप की शुरुआत करते हैं माता जी का नाम लेके, जय माता दी, जय माता दी। आज का प्लान ऐसा है कि पीलीभीत क्रॉस करना है। कहाँ तक पहुँचते हैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जहाँ तक पहुँच जाए अच्छा है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली एक बंदा और ज्वाइन करेगा हमें, वो बाइक से नहीं है, वो डायरेक्ट वहीं मिलेगा हमें। कल शायद मिल जाए, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बस पे बहुत मस्त लाइन लिखी है, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। हाँ यार, यूपी बस सुपर मेसी, तो चलो पास कर लेते हैं इनको, बर्दाश्त नहीं करना है अपने को। तो यहाँ रुके थे हम अवधेश सिंह ढाबा, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का। चाहे आपको लंच करना हो या ब्रेकफास्ट करना हो, स्पेशली फॉर लंच। आप कभी भी अयोध्या जा रहे हो ना, गोरखपुर से, या फिर आ रहे हो दूसरे साइड को भी है, तो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पे लंच वगैरह करो, बहुत सही खाना होता है। हमारा भी ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था अभी। जय श्री शंभू भाई, क्या ही आसमान देखो, कितना सही हो रखा है ऊपर। हाँ हाँ भाई, बैठा दो इसको, बैठा दो। तो ये है रामनगरी अयोध्या, बोलो जय श्री राम। है सरयू नदी सामने, तो अयोध्या में आपको सरयू नदी मिलती है और इसी नदी के किनारे अगल बगल आपको यहाँ के सारे घाट मिलेंगे, जहाँ पे दीपोत्सव होता है। कुछ दिन में होगा दिवाली, कुछ दिन में है, तो यहाँ पे दीपोत्सव होगा। तो अभी हम हैं सीतापुर वाले रोड पे, सीतापुर लगभग 40 किलोमीटर है, बट अभी एक कांड हो गया, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या हुआ है। तो ये अमित की बाइक है और देखो उसमें हुआ क्या है। भाई साहब बाइक चला रहे थे, इनका स्क्रू, ये जो गियर बॉक्स है और ये चीज कनेक्ट होती है यहाँ पे स्क्रू के थ्रू, और ये स्क्रू ही निकल के गिर गया भाई साहब को, और भाई साहब को पता ही नहीं चला। तो जब वो गियर चेंज करने आता है तब उसको पता चला कि भाई उसका स्क्रू निकल के गिर गया है। तो उन्हें कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा, फिर बाइक की दुकान पे रोक के फिर एक स्क्रू लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अमित के बाइक का काम हो गया, 5 मिनट लगा, तुरंत दुकान भी मिल गई, स्क्रू भी लग गया, टाइट हो गया। वी आर इन यूपी। सो देखो ये है यूपी भाई, नजारा देखो, ये रास्ते देखो, मतलब फुल पेड़ ही पेड़ है भाई, पेड़ ही पेड़, चारों 360 डिग्री, मतलब घूम जाऊं ना मैं, देख रहा हूँ कैसा नजारा है। ये यूपी है, दिस इज बिटवीन सीतापुर एंड गोला गोकर्ण गांव के रास्ते से हम जा रहे हैं। हमने लखीमपुर बाईपास को बाय बाय कर दिया है और इस गांव के रास्ते जा रहे हैं, तो हमें ये व्यू मिला। बट एनी वे यहाँ रुके, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, फोटो वगैरह ले रहे हैं। अरे अंकल जी मेरे पीछे आ रहे हैं साइकिल से, देखो अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी। तो अभी हम आ गए हैं गोला गोकर्ण और भाई अपना दोस्त भी आ गया है, तो अब जा रहे हैं लंच करने। यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट है मालवा ढाबा। तो 440 किलोमीटर आ गए हैं, सुबह 6 बजे, 6:15 निकले थे और 3:20 हो रहा है, मतलब कितना टाइम हो गया, 9 घंटे में हम लोग आ गए हैं, 450 किलोमीटर ऑलमोस्ट। नहीं नहीं भाई, ठीक है अपन यादों के लिए रख रहे हैं। इस दोस्त से मिले थे हाथों के, याद तो यही रहता है। इंदर बता रहा है कि हम लोग मौत के कुएं में जा रहे हैं। अभी हम निकल रहे हैं गोला से और टाइम हो गया है 5:15, मतलब 5:15। तो अब गोला से दो ऑप्शन है हमारे पास,
एक है कि हम पीलीभीत जाएं, पीलीभीत होते हुए निकलें और खटीमा को जाएं, और दूसरा ऑप्शन है कि पीलीभीत को बाईपास करें, बट वो जो रास्ता है वो भाई कोर पीलीभीत, मतलब कोर जंगल से होकर जाता है। और अभी मैं अपने दोस्त के साथ था, वो यहीं पे जॉब करता है, तो वो बता रहा कि भाई मत जाओ उस रास्ते से, क्योंकि इट्स टू डेंजरस स्पेसिफिकली दिस टाइम, क्योंकि अभी वो रास्ता लगभग 60 किलोमीटर दूर है और तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। सनसेट उधर हो रहा है और वो तो जंगल है, वहाँ पेड़ वगैरह ज़्यादा रहता है, तो वहाँ तो एनीवे अभी ऑलरेडी अंधेरा हो गया होगा मेरे ख्याल से। मैप लगाया, अगर पीलीभीत से जाना है ना तो पूरा सीधे रास्ता है, मैप की जरूरत नहीं है, बट अगर उस जंगल से होकर जाना है तो उससे डिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि पीलीभीत एस्केप हो जा रहा है पूरा। आप सामने देखो क्या है, बिल्कुल जंगल। और अभी देखो ये मैप में मेरे 29 किलोमीटर से जहाँ से टर्न लेना है वो जंगल, इस जंगल का बाप है अभी ये जंगल। देखो मैं अगर आपका मुंह घुमा के दिखाऊँ ना इधर उधर, तो भी आपको अंदर कुछ भी नहीं दिखने वाला है, मुझे नहीं दिख रहा भाई, नेकेड आई से कैमरे से कैसे दिखेगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का गेट रात में, और ये देखो टाइगर, ओ नकली टाइगर है भाई। सर खटीमा सीधा जाएगा ना? अच्छा बहुत, अच्छा नहीं ये सामने आ चुका बीच। तो ये देखो ये है चुका इको टूरिज्म स्पॉट, भाई बहुत अंधेरा, इधर देख लो ये रास्ता है, इस रास्ते पे जाना है। ये अंकल जी, अंकल जी का ड्यूटी रात भर है। एक बार अंकल जी इधर लाइट मारिएगा एक बार, ये भाई देखो कैसा सीन है, इधर कुछ नहीं है, पूरा जंगल है। इधर मारिएगा एक बार, पूरा चारों ओर जंगल है। अंकल इधर एक बार लाइट मारिए, सामने देखो भाई इसी रास्ते से जाना है अपने को, पूरा जंगल जंगल है। जो आए देखिए अंकल जी, आपको भी डर लग रहा है ना थोड़ा? हाँ डर तो, बताइए हम लोग को तो डर लगेगा ही ना, डर वाला जंगल है भाई। क्या ड्यूटी करना है? हाँ ड्यूटी तो करना पड़ता है। बढ़ते हैं आगे, ये है एक चुका इको टूरिज्म स्पॉट, और देखो सामने है रास्ता अपना, ये है अपना रास्ता। अभी इधर ना बीच बीच में सफारी वाला एरिया भी है प्रॉपर, जहाँ पे जीप वगैरह जाती है। भाई नेवला मराओ, क्यों कुछ तो मर, साले हम उधर थे, उसके उधर से निकले हैं। हम तो उधर ही थे ना, निकले तुम इधर आ गए हो। स्टैंड लगा, स्टैंड आगे जरा। अच्छा नेवला ही है, लाइट दिखा भाई, नेवला ही मरा है। अबे वो गाड़ी से मरा, हाँ गाड़ी से मरा है। चल चल भाई चल, चलो चलो। अबे भाई पेट्रोल वाला दिक्कत हुआ होगा, पता था हमको। सो कोई नहीं, गिर गए भाई, देखा आपने जंगल में गिर गए, कोई नहीं हो जाता है। हाँ एडवेंचर, वो नेवला मरा था उसको देखने के चक्कर में हम आपस में भिड़ गए, वो भी देख रहा था मैं भी देख रहा था, और कोलिजन हो गया। कुछ भी हो सकता है जंगल में भाई। अभी सपोज मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो ये तो मुझे पता था क्या हुआ था, क्या होता क्या है कि जब भी गाड़ी गिरती है ना एक साइड को, तो आपका पेट्रोल एक साइड को चला जाता है, और वो पहुंच नहीं, मतलब एक्जैक्टली टेक्निकलिटी नहीं पता है मुझे, बट मेरे साथ कई बार हो चुका है, मेरी बाइक कई बार गिरी है, तो आपका पेट्रोल एक साइड चला जाता है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, खड़े करना है बाइक को, उठाना है और बस हिलाना है, अपने टंकी को हिलाओ दोनों साइड, पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड देन योर बाइक स्टार्ट्स। इसलिए मैंने पैनिक नहीं किया ज़्यादा, मुझे पता था ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं टनकपुर, और टनकपुर में हम रुके मानसरोवर होटल में। सो रास्ता काफ़ी एडवेंचरस था, स्पेसिफिकली द सेकेंड फेज, और शाम का टाइम जो हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकले पूरनपुर टू खटीमा रोड, दैट इज वे टू स्कैरी ब्रो। सो बट एनीवे वी हैव डन इट, एंड थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया, बट दैट इज पार्ट ऑफ एडवेंचर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में हम ऑलरेडी हम उत्तराखंड में आ गए, नेक्स्ट एपिसोड में हम और अंदर जाने वाले हैं, तो बने रहिएगा व्लॉग में, सेकेंड एपिसोड भी देखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।